दोस्तों मेरे लिए नाश्ता बन गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, मैं अंजू देवी बुटुला आपका स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल में नीता शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खूबसूरत शहर मुंबई से। टाइम हो रहा है सुबह का 10:30। मौसम का हाल बोले तो अच्छा, आज धूप भी नहीं लगी है और बारिश भी नहीं है अब, क्योंकि बादल लगे हैं, मौसम ठंडा है। तो मेरा नाश्ता नुस्ता करके हो गया, ये बर्तन वर्तन मैंने इधर धो धा के रख लिए, क्लीन कर दिया। इधर बच्चे एक स्कूल गया, दूसरा कॉलेज गया और लड़की गई मेरी ट्यूशन, तो ट्यूशन से आती होगी। तो मेरा अभी लड़का गया कॉलेज, तो उसी के साथ में मैं भी फूड मैक्स गई थी, तो उधर से मैं चावल वावल लेके आई, क्योंकि दोपहर को मेरे को टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे को लड़की को भेजने जाना है स्कूल। तो मैं चावल वावल लेके आ गया, लड़की को मैंने टिफिन उपन बना के रख दिया। अब आई वो नाश्ता नुस्ता करेगी, उसके बाद जाना हमको स्कूल। तो चलो वीडियो में बने रहे। जा रही मैं खुशी स्कूल, लेकिन धूप से हालत ख़राब है, इतनी धूप लगी है। अरे हम इधर से जाएंगे पैदल, आज बहुत धूप लगी है। कल से क्या था कि क्या था, कल बारिश थी, आज धूप निकली है, लेकिन आंखें भी नहीं दिख रही, आंख खोलने को भी नहीं हो रहा, आंखें छोटी छोटी हो रही हैं। अब स्कूटी तो मैं लेके जा नहीं रही हूँ, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है स्कूटी का। कितनी मस्त धूप लगी है ना। इधर से मेरे को छाछ लेनी थी दुकान से, तो मैंने छाछ भी ली, ब्रेड लेना था ब्रेड भी लिया, पाव भी लिया, जो भी सामान लेना था वो ले लिया। इधर आगे बहुत ज़्यादा धूप लगी था, इधर से जाती हूँ आगे का रास्ता दिखाती हूँ। आप इधर से जाएगी तो आगे मैं गुड़िया को भेज के घर पे। टाइम हो गया है, हाय टाइम कितना हुआ, 1:45 हो गया है। हालत ख़राब है, इतना धूप, आज इतना धूप, हालत ख़राब हो रही। कल तक इतनी बारिश थे, छाता भी रख रहे थे तो भी कुछ नहीं बच रही थी, आज घाम हो गया रोजा। तो आ गई मैं घर में, प्रवेश आया, प्रवेश नीचे मंडप में बैठा है, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा आराम करती हूँ। रोटी भी है उधर, भाजी भी है, फिर भी खा रोटी भाजी खाएगा तो ठीक है, रोटी भाजी बनाते हम बस आराम करते हैं। तो बने रहे वीडियो में कंटिन्यू। टाइम हो गया दोपहर का, 1 बज गया, मैं आ गई फिर से अपने किचन में, बनाने बैठ गई हूँ दोपहर का खाना, यानी कि दोपहर का लंच। तो मैंने भात रख दिया, आज बहुत दिन के बाद मैं कढ़ी बना रही, पर बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मी कढ़ी बना, फाइनली वो दिन आ गया, कढ़ी बना रही हूँ। और इधर मैंने अमरूद रखे, अमरूद खा लिया, बहुत दिन से मन कर रहा था। हमारे गांव में हमारे बहुत ज़्यादा पेड़ है अमरूद के, तो याद आती है अमरूद की, तो अमरूद लेके आई मैं, तो अमरूद खा रही, तो आप ही आ जाइए खाने के लिए। कांदा भी आजकल अच्छा नहीं आ रहा, आलू भी अच्छा नहीं आ रहा, कांदा भी ऐसे देखो ना, देखने के लिए बहुत अच्छा है बाहर से, लेकिन अंदर जैसे काट रहे ना पूरा कांदा गला है। आलू भी वैसे ही बाहर से बहुत अच्छा पीले पीले आलू है, लेकिन जैसे छीन रहे ना आलू को, ये देखो कांदा अंदर से ख़राब निकला। आलू भी ना बाहर से बहुत अच्छे पीले पीले, जैसे अंदर छिलके नहीं काट रहे ना, आलू भी पूरे काले हो रखे, तो भगवान जाने क्या करे, इंजेक्शन वाले होंगे। तो ये कांदा इतना ही हो, तो मैं इसमें पहले तेल डाल दी, क्योंकि हम जब भी कढ़ी बनाते हैं तो हम कांदे वाली कढ़ी बनाते हैं, कांदे को अच्छे से भूनना है उसमें कढ़ी में, उसके बाद कढ़ी बनानी है, तो बूंदी डाल के बनाएगी बाद में, पहले बेसन डालेंगे लास्ट में, जब कढ़ी बन जाएगी उसके बाद में बूंदी डाल। दिखाती हूँ मैं आपको, मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ। पहले कांदा काट रही हूँ, मैं बना रही थी तोर की दाल, यानी कि अरहर की दाल बना रही थी,
और उसने बोला मम्मी कढ़ी बनाती हूँ, उसको कढ़ी बहुत पसंद है, मैंने चलो कढ़ी बनाती हूँ। थोड़ा सा कल कद्दू बचा था, यानी कि पॉम्पकिन बचा है, थोड़ा सा एक तोरी बची है, तो उसकी मैं भाजी बनाएगी, बाकी का मैं तो मैंने भात जो है टोप में बनाया, टोप यानी कि पतीले में बनाया है, तो ये उबलने बैठ गए चावल, क्योंकि मेरे को जगदीश बोलता है कि मम्मी प्रेशर में मत बनाओ, उसमें गीला होता है ना, तो उसको कैसे चाहिए चावल की अलग अलग हो सब सीते। तो इधर मैंने कढ़ाई रखी थी, तेल गर्म हो गया, मैंने आँच को थोड़ा धीमी कर दिया, और इसमें मैं पहले हींग डालेगी, क्योंकि बिना हींग का हमारा खाना बनता नहीं है। उसके बाद डालेगी मैं इसमें जीरा, राई नहीं डालेगी आज, बस ये भी चटकने बैठ गया। उसके बाद डालेगी मैं कि हरी मिर्ची, क्योंकि हम लाल मिर्ची यूज नहीं करते हैं खाने में। उसके बाद डालेगी मैं कांदा, एक कांदा भी डाल दिया मैंने। अभी इसको मैं हल्की आँच में थोड़ा लाल करेंगे, थोड़ा ये पकने बैठ जाएगा। उसके बाद डालेगी मैं इसमें धनिया, धनिया डालने के बाद डालेगी मैं इसमें बेसन, थोड़ी देर में इसको पकने देगी धीमी आँच में। अब इधर ये कांदा पक गया है, तो इसमें मैं पहले हरा धनिया डालेगी, इसको इसमें मिक्स करेगी, अच्छी हो गया मिक्स। इसके बाद डालेगी मैं इसमें इसको बेसन, इसमें मैं डालेगी बेसन एक चम्मच, दो चम्मच और तीन चम्मच बेसन डाला मैंने। इसको धीमी आँच अच्छे से घुमाएगी, इसको अच्छे से भूनेगी। जब ये लाल हो जाएगा ना, उसके बाद में इसको, तेल ज़्यादा पड़ गया तो मेरे को थोड़ा और डालना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बेसन ही ख़राब नहीं होता है। इसको मैं धीमी आँच अच्छे से ऐसे घुमाएगी, पहले कढ़ाई भी नाचने पर लगी है, तो कड़ी भी उबलने बैठ गई है इधर। और इधर मेरा खाना वाना बन गया, बहुत लेट हो गया, टाइम हो गया, 2 बज गया ना, 2 बज गया। मेरे पड़ोस को भी जाना है ट्यूशन, इधर कड़ी बनाई, ये भात बनाया, और इसमें मैं नमक डाल दी, नमक मैंने अभी डाला, जब मैं कड़ी निकाल देती हूँ नीचे तो मैं नमक डाल दी। तो ये है बूंदी, तो बूंदी अभी खाते वक्त डाली है। एक कड़ी भात बनाया मैंने, ये मैंने अपने लिए और परवेश के लिए निकाल दिया है, और थोड़ी सी सुबह की भाजी भी है। भाजी हो गई, कड़ी हो गई, भात हो गया, एक रोटी वजह से लोग खाना खाते हैं।